यार दोस्तों, अगर आप एक ट्रेवलर हैं तो यार आप तो डेफिनेटली आउट ऑफ कंट्री जाते होंगे, और दोस्तों आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए डेफिनेटली पासपोर्ट को तो काम में लेते ही होंगे। तो दोस्तों ऐसे में निकल के आते हैं यहाँ पर सवाल बायोमेट्रिक पासपोर्ट या फिर ई पासपोर्ट का। तो यार आप में से काफी लोग होते हैं अक्सर कंफ्यूज के क्या डिफरेंस है आपके पास नॉर्मल पासपोर्ट में और यहाँ पर बायोमेट्रिक पासपोर्ट में। तो दोस्तों आज आप वीडियो अगर तक दिखती रही है, मैं आपसे आज बात करूंगा ई पासपोर्ट या फिर बायोमेट्रिक पासपोर्ट के बारे में, और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इसी बायोमेट्रिक पासपोर्ट की मदद से हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाती है कि हम इसी पासपोर्ट के होल्डर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। बात करता हूं यहां पर कंप्लीट तरीके की, तो बेसिकली यार आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो तो एडवांस होती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि दुनिया भर में इंटरनेट जो है वो लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और दोस्तों जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो साइबर क्राइम्स जो आपको देखने को मिलते जा रहे हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए यार काफी कंपनीज या फिर काफी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी डोमेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसके अंदर जो है आपके पास सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। और दोस्तों क्योंकि कंसर्न करना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी कंपनीज के बारे में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हम किस तरीके की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को रख सकें ताकि कोई भी ऐसा अटैक जो कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट करे वो यहां पर ना हो सके। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर किसी भी सेंसिटिव जगह की, तो एयरपोर्ट उसमें से एक है। और दोस्तों क्योंकि हम लोग यहां पर दिन भर में जो है वो अपने बेसिकली कोई भी तरह के किसी भी तरह के काम जो है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट करते हैं। अब ऐसे में एज अ नॉर्मल कंज्यूमर हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि हम किस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, और किस वेबसाइट के ऊपर जाने से हमारे पास यहाँ पर कौन सी जो यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म्स हैं वो फिल हो जाएंगे। तो बेसिकली यार इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो बेसिकली यार इसका फंडा जो है ना कुछ यूं निकल के आता है कि अगर मैं बात करता हूँ ना सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी तो किसी भी डोमेन की बात करूँ या फिर किसी भी कंपनीज वगैरह की बात करूँ, हर जगह पर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रहती है। तो बायोमेट्रिक्स के अंदर आप अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कुछ यूं कह सकता हूं कि आप जो है यहां पर बायोमेट्रिक्स को तो दिन भर में काम में लेते ही हो, अलग अलग तरीकों से काम में लेते हो। दोस्तों ऐसे में आपके पास जो मोबाइल फोन हो या फिर जो लैपटॉप्स हैं या फिर इवन कंप्यूटर्स वगैरह हैं, तो दोस्तों उन सभी के अंदर जो है आप यहां पर जो कंप्लीट बायोमेट्रिक्स है उनको काम में लेते हो। उसमें आपके पास आई स्कैनिंग आएगी, उसमें आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनिंग आएगी, उसके अंदर आपके पास फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये कंप्लीट सारे जो बेसिकली बायोमेट्रिक्स हैं ये हमारी मदद करते हैं एकदम करेक्टली ऑथेंटिकेट करने में उस पर्सन को जिस पर्सन की आइडेंटिटी को भी आप यहां पर ऑथेंटिकेट करना चाहते हो। अब दोस्तों यहां पर बात कर रहा था मैं एयरपोर्ट की, तो दोस्तों एयरपोर्ट के ऊपर आप भी जानते हो क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा जो मैं बोलूंगा एडवांस होती है। अब क्योंकि सिक्योरिटी फिजिकली तो एडवांस है ही है, लेकिन आपके पास अगर बात करते हो ना यहां पर सिस्टम वाइज सिक्योरिटी की, तो बेसिकली यार आपके पास अगर सिस्टम वाइज सिक्योरिटी की बात करूं तो सिस्टम वाइज सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा एडवांस होगी, क्योंकि क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जगह है। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप यहां पर सिक्योरिटी की जो बेसिकली कंसर्न्स हैं उनको यहां पर टॉलरेट करते हो, फिर सिक्योरिटी रूल्स को टॉलरेट करते हो, तो डेफिनेटली यार आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो इसी चीज से यार जो आपके पास कंप्लीट एयरपोर्ट्स है वो इन्हीं चीजों को सारे ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों को जो है वो यहां पर देकर आते हैं। और दोस्तों वो लेते हैं अलग अलग डेफिनेटली सिस्टम्स को काम में, क्योंकि अगर वो सिस्टम्स को काम में लेंगे तो जो भी पर्सन है, जो भी आपके पास यहाँ पर कंप्लीट पैसेंजर है, उसकी यहां पर आइडेंटिफिकेशन हो सकेगी कि ये पर्सन जो है वो एग्जैक्टली यहां पर है कौन। दोस्तों यहाँ पर जो है पर बायोमेट्रिक पासपोर्ट का सिस्टम है, वो बायोमेट्रिक पासपोर्ट का सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके का है कि आपके पास इस बायोमेट्रिक पासपोर्ट के अंदर लगी होती है एक माइक्रो प्रोसेसर की चिप, और दोस्तों वो माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप है वो बेसिकली रिकॉर्ड करती है उस डेटा को जो कि उस पासपोर्ट के अंदर स्टोर है। और दोस्तों क्योंकि जब वो स्कैन की जाती है तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है कि आपके पास जो कंप्लीट डिटेल्स है उस पर्सन की जो कि उस प्लेन के अंदर यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए जाने वाला है, तो दोस्तों उस कंप्लीट जो बेसिकली उसके पैसेंजर्स हैं उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम या फिर आपके पास मान लो उसके और ज्यादा जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स हैं, फोन नंबर वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है ये वो वहां पर कैटर कर लेता है। और दोस्तों वो सारी इंफॉर्मेशन या फिर वो सारा डेटा जो है वो जाता है कंप्लीटली एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास में, और दोस्तों एयरपोर्ट सिक्योरिटी बाद में उसको उस जो आपको उनके इंटरनल पर्सनल पर्पसेस है उनके लिए काम में ले सकती है, फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में ले सकती है, वो उनके अपने पर्सनल कामों के अंदर भी जो है उसको यहाँ पर काम में ले सकती है। तो बेसिकली यार मेन यहाँ पर जो बात है ना वो कुछ ये निकल के आती है कि आप यहाँ पर सिक्योर तरीके से जो है
एकदम सिक्योर तरीके से, मैं बोलूंगा ना एकदम सिक्योर एनवायरनमेंट में जो है आप यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाते हो, आपकी जो कंप्लीट आइडेंटिटी है वो ऑथेंटिकेट हो जाती है और आपकी जो बेसिकली ऑथेंटिसिटी है वो एकदम मेक श्योर हो जाती है कि हाँ ये जो पर्सन है ये बिल्कुल रियल पर्सन है और ये जो है ये यहाँ पर प्लेन के अंदर जाने वाला है। उसके बाद में आप जाते हो फिजिकल सिक्योरिटी के पास में और फिजिकल सिक्योरिटी के पास में जाने के बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक गेट से होती है एंट्री और उसके बाद में जो मान लो अगर आपके पास कोई फायर आर्म्स है या फिर मान लो आपके पास वेपन्स वगैरह है तो फिर वहाँ पे वो जो है वो रोक ली जाती है। अगर होगी तो फिर वो जो है वो यहाँ पर अलार्म कर देगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर आप जो है वहाँ पर चले जाओगे और डायरेक्ट फाइनली जो है वो चले जाओगे अपने प्लेन में। तो बेसिकली यार जितना देखने में आपको यहाँ पर आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है और दोस्तों क्योंकि आपको बहुत सारे जो मैं बोलूँगा ना स्टेप्स होते हैं उसको सीक्वेंशियल बेसिस में जो है वो कंप्लीट करके आगे बढ़ना पड़ता है और फिर जाके फाइनली आप यहाँ पर प्लेन में बैठ जाते हो। तो बेसिकली यार मैं आपको यही बोल रहा था कि आपके पास जो यहाँ पर सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा कंसर्न है और दोस्तों क्योंकि आपके पास बहुत ही बड़ी बड़ी डोमेन्स है दुनिया में, उन सभी डोमेन्स के अंदर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मैं बोलूँगा ना कंसर्निंग फैक्टर है जो कि आपको यहाँ पर कंसर्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी आपके ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन मार्केट में उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे कि आपके पास अगर बात करता हूँ क्लाउड वगैरह की तो क्लाउड्स की भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और दोस्तों अगर बात करता हूँ यहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी की तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है क्योंकि वो लेते हैं अलग अलग एडवांस सिस्टम्स को काम में। अब यहाँ पर सवाल ये निकल के आता है कि हम किस तरीके से यहाँ पर ऑथेंटिकेट तो कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर इंटरनल जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो सिस्टम्स होते हैं वो किस तरीके से काम में लिए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो बेसिकली काम में लिए जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम और दोस्तों उसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पर और कई तरह के सिस्टम्स को जो है वो यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर ली जाती है यूवी लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट को काम में जो कि स्कैन करती है उस कंप्लीट जो पासपोर्ट है उसको और उसके बाद उसका कंप्लीट टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेती है उसकी प्रिंट या फिर मैं बोलूँगा ना इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट जो है वो यहाँ पर निकाल लेती है और दोस्तों उसका जो सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर को यहाँ पर प्रिंट करता है आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सेंसर और दोस्तों उस सेंसर की मदद से आप यहाँ पर उसके प्रिंट को निकालते हो ताकि ये आप वेरीफाई कर सको कि हाँ ये जो सिग्नेचर है ये एकदम रियल है, ये यहाँ पर फेक नहीं है। तो बेसिकली यार कॉन्सेप्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और ऐसे में यार अगर मैं उससे बात करता हूँ ना इन चीज़ों की तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि ओवरऑल यार ये कंप्लीट आइडेंटिटी का सवाल है और कंट्री टू कंट्री किस तरीके के रिलेशंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है सिक्योरिटी जो है ना काफ़ी अच्छी होनी चाहिए तभी जाके जो है ये सारे काम यहाँ पर प्रिसाइजली कंप्लीट हो पाएंगे। तो दोस्तों यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी बायोमेट्रिक पासपोर्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर्ड।